साहिबान आते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग मेरा प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम तुलसी है, मैं नौवीं जमात की विद्यार्थन हाँ। आज मेरे बोलन का विषय है हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखा के नाम नौवे गुरु सन। उन्होंने हिंद की चादर के नाम नाल भी जानिया जाता है। उन्हों का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर विखे होया सी। उन्हां दे पिता जी का नाम हरगोबिंद साहिब जी और माता जी का नाम नानकी सी। उन्हां दे बचपन का नाम त्यागमल सी। करतारपुर की लड़ाई विचों उन्हां वल्लों दिखाई बहादुरी करन उन्हां दे पिता हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हां दा नाम बदल के तेग बहादुर रख दिता। उन्हां ने मुढ़ली विद्या बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरुदास पासों प्राप्त की। कई भाषावां के विद्वान सन। इस तो इलावा उन्होंने शस्त्र विद्या भी ग्रहण की सी। उन्हों का विआह माता गुजरी जी नाल होया। दशवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हों के सपुत्र सन। वह शुरू तो ही धार्मिक रुचिया के मालक सन। बाबा बकाला विखे उन्होंने 20 साल तपस्या की। बाबा बकाला विखे रहिंदिया ही उन्होंने 1664 ईस्वी में गुरगद्दी संभाली। उन्होंने दूर दुराडे इलाकों में यात्रावां कीतियां ते धर्म का प्रचार किया। उन्होंने द्वारा 15 ग्रंथ रची। बाणी के 116 शब्द श्री ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। उन्होंने पहाड़ी राज्यों तो जगह खरीद के चक नानकी नाम का नगर वसाया, जो बाद में श्री आनंदपुर साहिब के नाम नाल सिखी का प्रसिद्ध केंद्र बनिया। इत्ते ही बादशाह औरंगजेब के जुल्मां के शिकार होए कश्मीरी पंडित गुरु जी को फरियाद लेके आए सन। इस तरह हिंदू धर्म की रक्षा लई उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक विखे 11 नवंबर 1675 ईस्वी में कुर्बानी दिती। पर बादशाह औरंगजेब की ईन नहीं मनी। हूँ उस जगह गुरुद्वारा सीस गंज सुशोभित है। इस तरह मानवता की भलाई लई अते तिलक जुंग की रक्षा लई दित्ती कुर्बानी कारण ही आप जी नूं हिंद की चादर कहा जाता है। आप ने जो हिंद धर्म लई कुर्बानी दित्ती उस नूं सारा समाज युगां युगांतरां तक याद रखेगा। धन्यवाद।